Hello, my dear friend. Good afternoon to all of you guys. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Hello, my dear friend. सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. Hello, salaam, namaste, आदाब, सत श्री अकाल. कैसे हैं सभी लोग? बच्चा लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ, एकदम भीड़ मचा दो. आज का जो सेशन है ये बैटल ऑफ ब्रेन का. यस, आज का जो ये सेशन है बैटल ऑफ ब्रेन का, मैं इस चीज का आपको वादा करता हूं कि आप इसको आने वाले कई दिनों तक, कई सालों तक याद रखोगे कि ऐसा बैटल ऑफ ब्रेन हुआ था. तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का दिन आप हमेशा याद रखोगे. चलो तो आज स्टार्ट करते हैं हम बैटल ऑफ ब्रेन में, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का ये महायुद्ध. और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का ये महायुद्ध जो है एसएससी जेई के उन पन्नों पर लिखा जाएगा. यस, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, माय डियर फ्रेंड, आई एम आलोक झा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. और आप सभी का स्वागत करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. और सेशन की शुरुआत करने से पहले बस इतना ही कहूंगा, आलोक लाइव. आलोक लाइव क्या है सर? आलोक लाइव एक ऐसा रेफरल कोड, आलोक लाइव एक ऐसा रेफरल कोड है. बिल्कुल 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 बिल्कुल, जल्दी जल्दी आ जाओ. यस सर, आलोक लाइव एक ऐसा रेफरल कोड जो सबकी जिंदगी बना दे. यस, आलोक लाइव सिर्फ एक रेफरल कोड नहीं है, आलोक लाइव एक उम्मीद है. यस, उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों. तो जल्दी जल्दी अगर सभी लोग आ गए हैं और मेरी आवाज अच्छे से समझ में आ रही है तो थम्स अप करके मेरे को रिप्लाई करें जल्दी जल्दी. अगर आप सभी लोग आ चुके हो तो जल्दी जल्दी थम्स अप करके रिप्लाई करो. आप फटाफट 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 बवाल मचाना है. यस 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 यस, बवाल मचाना भाई लोग, भाई लोग बवाल मचाना, चाहे जो हो जाए. आज का सेशन आप जिंदगी भर याद रखोगे. यस, नाउ माय डियर फ्रेंड, क्या आप तैयार हो टेस्ट देने के लिए? मैं आपको फिर से आज बता देना चाहता हूं कि आज के सेशन में जो रीजनिंग वाला हिस्सा है वो होने वाला है 20 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का. और जो जीएस होने वाला है वो 10 क्वेश्चन का होने वाला है. और टेक्निकल जो होने वाला है वो 20 नंबर का होने वाला है. तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग अगर आ गए हो तो आते ही अपने हाथों में थम्स अप का बटन और दिल का बटन लगाते रहो, झमाझम मजा आते रहेगा. बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, तो जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और जल्दी से जल्दी बात करते हैं. सो गाइज, आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? सो गाइज 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 गाइज, आपको मैं बस पहली और आखिरी बार कहूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों, लाइक का बटन लगातार दबाते रहना, जो जो आते रहना लाइक का बटन दबाते रहना, अपने भी दबाना और दूसरों से भी कहना भैया लाइक का बटन दबाते रहो, क्योंकि झमाझम मजा आने वाला है. चलिए तो मेरे प्यारे भाइयों, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन को, सबसे पहले रीजनिंग के इस दौर से. तो सबसे पहले आप सभी लोग बता दीजिए, आप सभी तैयार हैं? तो चलते हैं न्यूमेरिकल रीजनिंग के टेस्ट पर. यस, तो पेन और पेपर साथ में रख लीजिए. बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, पेन और पेपर साथ में रख लीजिए सभी लोग, पेन और पेपर साथ में रख लीजिए. बिल्कुल, पेन और पेपर साथ में रखिए, जल्दी 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 पेन और पेपर साथ में रखिए. चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने इस खेला को. बिल्कुल आइए. तो चलो, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, आपको फटाफट आंसर करना है. और मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं मेरे भाइयों, आप कुछ मत करो, एक कागज ले लो, कागज पे एक से लेकर 20 तक की पूरी गिनती लिख लो. और एक का आपने क्या जवाब दिया, अगर आपने ए जवाब दिया और ए सही है तो उसको टिक मारो, अगर आपने बी जवाब दिया ए सही है तो उसको कट मारो, ठीक ना? ये करते हुए चलो, पूरी पूरे नंबर को निकालना है. चलिए, हाँ हाँ, पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ठीक ना? पूरी ईमानदारी के साथ टेस्ट देना है बच्चों लोग, बच्चा लोग पूरी ईमानदारी के साथ टेस्ट देना. मैं बता रहा हूँ, आज का क्लास तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक ना? सर आज ऐसा क्या करने वाले हो, मैं बताऊंगा. मैं अभी ना क्लास के 15 मिनट बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा. जी बिल्कुल, तो आंसर क्या है?
हेलो विशाल, हाउ आर यू। बिल्कुल पहले का आंसर है ए। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, पूछ रहा है पेयरिंग बोलो, तो कोर्ट का जज, ठीक है ना, तो स्कूल का टीचर, तो कोर्ट का जो हेड होता है, जैसे बोल दो आपका वो जज है और स्कूल में जो है वो टीचर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा, एसी कूल करता है, हीटर क्या करता है बेटा? ये आपके एसएससी जेई का ही क्वेश्चन है, क्यू आईडी लिखा है, क्वेश्चन आईडी देख लो, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया है कुछ। एसी कूल करता है तो हीटर क्या करेगा? एसी कूल करता है तो हीटर क्या करेगा? हीटर हीट करेगा। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, मिल्क ड्रिंक, दूध पीते हैं, फूड, फूड का फूड का फूड का फूड का कम ऑन, दूध पीते हैं, फूड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, खाना खाते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी के पास प्रॉपर टाइम में दे रहा हूं, 10 से 12 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं आंसर कर रहा हूं। चलो अगला बेटा, ये कोडिंग डिकोडिंग है, तो कृपया करके अपना पेन पेपर हाथ में रखो, धमाधम आंसर करो। ड्रम का जे एक्स ए एस, ऐसे लिख दिया मैंने, आप देख लो। तो कह रहा है क्रॉप का क्या होगा? क्रॉप का क्या होगा? बताइए बताइए, बिल्कुल, पांच की गैपिंग बहुत आसान है, इस पे भी गैपिंग देखोगे, पहला ही अक्षर आई आएगा, पहला ही अक्षर आई आएगा, बिल्कुल। चलिए 605, टॉम्ब का TOMBZOMBLYMP का क्या होगा? चलिए बताइए, इसका आंसर दो। कमान 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 कमान, आंसर दो आंसर दो। गाइज आप आंसर करिए, 5th का क्या होगा? मदन से सी, यस, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलो इसका बताओ बेटा, ये टेस्ट है, तुम्हें देना है, तुम्हें करना है। बच्चा लोग बच्चा लोग बच्चा लोग, 5th का, अच्छा सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एग्जाम में आपको वेल फोकस्ड लेके देना है, थोड़ा ध्यान से, अभी मजाक में मत दीजिएगा। आपके द्वारा किया गया एक एक सही क्वेश्चन आपको आगे लेकर जाएगा जिंदगी में। बिल्कुल जल्दी बताइए,
क्या सिक्स्थ का? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। सिक्स्थ का ये। नाउ सेवेंथ का, अब देखो नंबरिंग आ गया, 41 का 62, तो 37 का बताओ। रिलेटेड रिलेशन आ रहा है, नंबरिंग नंबरिंग नंबरिंग। अरे बहुत आसान है, देखो तो सीधे देखना है, गैपिंग देखो, गैपिंग गैपिंग देखो, गैपिंग। यस 21 की गैपिंग है, वेरी गुड। 21 की गैपिंग है, 21 बढ़ा दो 28। चलो इसका बताओ, 63 108, 42 देखो, 63 108, 42 बताओ। आठ का, आठ का, आठ का, कम ऑन गिव मी द आंसर। 63 108, 42 का। क्या होगा? जस्ट इमेजिन, होगा क्या? सोचो सोचो। अरे चिंटू क्या हुआ, एग्जाम में इतना सोचोगे क्या? स्किप करना है जल्दी। यस कृष्णकांत, कृष्णकांत बिल्कुल, कृष्णकांत सोनकर सर। टू होगा, नहीं सॉरी एट होगा आंसर, सेकंड आंसर है, एट होगा। नहीं आया, अरे आप इसको कट करके देख लो ना, पहले कट करके देखते। देखो अगर मैं इसको देखूं, आ गया आंसर। चलो भैया सबका आ रहा है। यस बहुत अच्छे, बिल्कुल। देखिए देखो देखो, 6 × 3 कर देंगे तो क्या आएगा? क्या पैसे देख लो, 6 × 3 = 18, 4 × 2 = 8, ऐसे भी आ सकता है, बिल्कुल है ठीक ना, ऐसे भी हो सकता है ठीक ना, 8 होगा आंसर बिल्कुल। चलो बताओ, 7 का 346, 7 का 3 = 46 इसका बताओ। यस 732। कैसे? 7 का क्यूब करोगे 343 आएगा, और उसमें 3 जोड़ देना, तो वैसे ही 9 का क्यूब कर देना, 729 आएगा, 3 जोड़ देना। ओके नाउ बताओ, 610। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन। गाइस यहां ऑड ढूंढना है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ऑड वर्ड, रिवर, सी, लेक, लैंड।
यस, लैंड मतलब जमीन हो गया ना, बाकी सब पानी। ऑड वर्ड, ईगल, स्पैरो, रैबिट, पैरट। इसका आंसर करो जल्दी बच्चा लोग, बच्चा लोग जल्दी। इसका यस रैबिट, ये पक्षी में आ जाएगा, स्पैरो भी और पैरट भी। रैबिट तो सेलेक्ट ऑड वर्ड। एटलांटिक ओशियन, ऑस्ट्रेलियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, कौन सा ओशियन नहीं है इनमें से? कौन सा ओशियन नहीं है इनमें से? कौन सा ओशियन नहीं है ओशियन का नाम? इनमें से कौन सा ओशियन का नाम नहीं है? यस, ऑस्ट्रेलियन ओशियन। अगला बताओ। ऑड लेटर डीजीजे, गैपिंग जरूर चेक करना, गैपिंग जरूर चेक करना। चलिए यस सही होगा। चलो यहां बताओ, ऑड लेटर। अगला क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन आया, ऑड लेटर। बिल्कुल FCX। अगला आया ऑड लेटर, फटाफट फटाफट फटाफट। पांच मिनट का और इंतजार और जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। ठीक है, बिल्कुल। पंद्रह का बी, 16 का बताइए बेटा। ये सब आपका है, ये आपके एग्जाम का ही है क्वेश्चन। सोलह का बताइए, सोलह का, सोलह का, सोलह का। गाइस ज्यादा नहीं, 5 मिनट बाद, 5 मिनट और दो मुझे, ओनली 5 मिनट, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं लूंगा तुम्हें। सोलह
16 का सी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कोई कहीं जाएगा नहीं बच्चा लोग, इसका बताओ ऑड नंबर। सोलह का सी सही है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। यस, 17 का बी, बिल्कुल। चलो 18 का कराओ, 18 18 18। कमन गाइस जल्दी 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 आंसर करो, आंसर करो। दिस इज द ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, दिस इज द ऑल। दिस इज द ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 18 का क्या आएगा? सी, सी आएगा, बिल्कुल 18 का सी आएगा, वेरी गुड, बिल्कुल। 30 का 75 हो, बिल्कुल। देखो ये डिक्शनरी का आया है, वर्ड को सीक्वेंस में लगाना है, वर्ड को सीक्वेंस में लगाना है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, वर्ड को सीक्वेंस में लगाना है। कम ऑन, वाह वेरी गुड। नो नो नो, ऑप्शन नंबर बी, यस 19 का बी आएगा, बी आएगा, बी बी बी। देखो 20वें में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम एट थर्ड पोजीशन, कौन सा वर्ड थर्ड पोजीशन पे आएगा। तीसरे पोजीशन पे कौन सा आएगा? एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, बेटा जिस जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है उसको नोट करो, उसकी क्लास करो और फिर देखो रिजल्ट। बिल्कुल, क्या आएगा? 20 का 1 आएगा, एलिजिबल जो है थर्ड नंबर पे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो गाइस जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ 20 में कितने नंबर आए, 20 में कितने सही हुए, 20 में कितने सही हुए। जल्दी जल्दी बताओ। आहा 20 में 20, चंचल 19, अरे गजब वेरी गुड। हेमंत कुमार 10, 19, अरे गजब। अमितेश वेरी गुड, हेमंत 10, राखी 16, जिशान 18, अरे वाह। सुरेश जी 20, कीर्ति 18, हेमंत 10, मदन 19, वन स्किप,
विशाल 14 14 15 10 20 वेरी गुड बहुत अच्छे बेटा। इस टेस्ट में आपको ध्यान रखना है, कोशिश ये करनी है मिनिमम 19 से 20 नंबर लाना है। फोकस ओनली ऑन दिस, फोकस करा करो। जहां जिस टॉपिक में दिक्कत हो टॉपिक का नाम लिखो, उस पर 5-6 घंटा लगाओ, हो जाएगा। चलो तो मेरे प्यारे भाइयों, आज 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 जीएस के लाइव टेस्ट, आज जीएस का लाइव टेस्ट को आप याद रखोगे, इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखोगे। आज जीएस के लाइव टेस्ट को आप इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखोगे। यस, चलिए तो शुरुआत किया जाए। क्या आप सभी तैयार हैं जीएस के लाइव टेस्ट के लिए? सर मैं तुक्का मारता हूं जीएस में। अरे तुक्का, अरे सर मैं क्या बताऊं, क्या करूं, जीएस में तो नंबर ही नहीं आता। अगर इन सबसे दूर होना है तो आइए देखते हैं जीएस के लाइव टेस्ट में। चलिए जुड़ते हैं हमारे साथ। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउंड इन, बैटल ऑफ प्लासी। Battle of Plassey was fought in. Yes, very good. Battle of Plassey 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। बिल्कुल देख सकते हैं कुछ इस तरीके से Battle of Plassey हुआ था, ठीक है ना। बैटल ऑफ प्लासी कुछ इस तरीके से हुआ था, ठीक है ना। तो इसकी एक छोटी सी पेंटिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये हमारा बैटल ऑफ प्लासी है जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, और ये एक किसी बुक का कवर पेज है, ठीक है ना। द विक्ट्री दैट वन एन एम्पायर, एम्पायर सर। हाँ बिल्कुल, बैटल ऑफ प्लासी कुछ ऐसे खेला गया था। तो याद रखिएगा बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था, युद्ध जो हुआ था प्लासी का युद्ध, वो 1757 ईस्वी में हुआ था, और यहीं से स्टार्ट हुआ था सारा खेल। यही हमारे इतिहास का सबसे पहला पन्ना, पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है बच्चा लोग, द टेरिटरी ऑफ पोरस, पोरस को आप लोग शायद जानते होंगे, हु ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू अलेक्जेंडर वाज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर ऑफ, टेरिटरी ऑफ पोरस हु ऑफर्ड द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अलेक्जेंडर वाज सिचुएटेड इन बिटवीन द रिवर्स ऑफ। अलेक्जेंडर ने टेरिटरी ऑफ पोरस को, मैं दूसरी सिंपल भाषा में बता रहा हूं, किन दो नदियों के बीच में रजिस्ट किया था, जल्दी। आज सिर्फ इतिहास लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में। यस, बच्चे कह रहे हैं झेलम एंड चेनाब, बहुत अच्छे बच्चा। ये कौन सी नदी है सर? ये झेलम है। ये कौन सी नदी है सर? ये झेलम नदी है। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा अलेक्जेंडर ने जो ये अपना खेल खेला था तो कुछ यही खेला था, ठीक ना। अलेक्जेंडर ने जो खेला था कुछ यही रखा था, बिल्कुल। इंडस है ना, इंडस के बगल में, ये अलेक्जेंडर का इंडस का कंसिक्वेंट दिखाया मैंने, और वही एरिया था जहां ये झेलम और चिनाब वैली है, उधर ये खेला गया था, ठीक है ना। चलिए नाउ अंडर अकबर द मीर बख्शी वाज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर, मीर बख्शी को अकबर ने मीर बख्शी को, अकबर ने मीर बख्शी को, बिल्कुल बिल्कुल, क्या आंसर होगा जल्दी बताओ। मीर बख्शी कौन था अकबर का सेनापति?
मिलिट्री अफेयर्स का प्रतिनिधित्व तो इसको दिया था कि आप पूरा सैनिकों को ध्यान रखोगे। और उस समय का आप कह सकते हो मिलिट्री अफेयर मीर बख्शी के हाथ में ही था, ठीक है ना। मीर बख्शी का कुछ मुझे ऐसा रोल मिला नहीं जिसको मैं आपको दिखा सकूं। नाउ अगला क्वेश्चन है, देखिएगा बड़ी अच्छी बुक है, बहुत फेमस बुक भी है बच्चा, त्रिपिटक आपने सुना होगा, त्रिपिटक ठीक ना, त्रिपिटक दूसरे भाषा में बोलो तो त्रिपटक है, हिंदी में कहते हैं इसको त्रिपटक, ठीक है ना। तो त्रिपिटक जो बुक है, सीक्रेट बुक, वो किसके ऊपर है, बुद्धिज्म, हिंदू, जैन या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे बच्चा लोग, बहुत अच्छे। देखिए त्रिपटक कितने त्रिपटक हैं, तीन होंगे, त्रि है तीन पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक हैं, ध्यान रखिएगा बौद्ध ग्रंथ का। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे देखिए ये द ट्राइडेंट शेप, नाम क्या है, ट्राइडेंट शेप जो सिंबल है ऑफ बुद्धिज्म का डज नॉट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि ट्राइडेंट है तो तीन चीजें रिप्रेजेंट करता होगा, क्या रिप्रेजेंट नहीं करता ट्राइडेंट शेप सिंबल ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट नहीं करता, डज नॉट रिप्रेजेंट। कुछ बच्चे कह रहे हैं ए, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, कोई कह रहा है डी, निर्वाणा संगा बुद्धा धमा। निर्वाणा होगा बच्चा। अच्छा ट्राइडेंट शेप ऑफ सिंबल था कैसा सर, ये आप देख रहे हो यही ट्राइडेंट शेप ऑफ सिंबल है, बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों यही ट्राइडेंट शेप ऑफ सिंबल है जो बुद्धिज्म में इल था, भाई देख सकते हो ट्राइडेंट शेप ऑफ सिंबल ऑफ बुद्धिज्म यही शेप है भाई। इसमें तीन चीजें हैं बिल्कुल, क्या क्या, शांगा बुद्धा एंड धामा। शांगा जो है, शांगा ये बीच का है, ठीक ना, देन बुद्धा लेफ्ट का एंड धामा राइट का। ओके नाउ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, बेटा आज तक इसको पढ़ा जाता है, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, ये आज भी ये टॉपिक आईएएस के क्वेश्चन पेपर में दिखाई देता है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश शासन में थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया को किसने प्रोनाउंस किया था, किसने बोला था भाई, किसने दिया था, अरे गजब, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारे बच्चों ने बोला दादा भाई नरोजी। मेरे प्यारे भाइयों उस समय के कुछ पेपर का छोटा सा पन्ना आपके सामने लेकर आया हूं, देखिएगा ये है दादा भाई नरोजी, और उस समय दादा भाई नरोजी ने वर्क, देखो लिखा भी है दादा भाई नरोजी वर्क फोकस ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इनटू इंग्लैंड थ्रू द कॉलोनियल रूल, ठीक ना, कौन सा रूल, कॉलोनियल रूल। अब कॉलोनियल रूल क्या होता है इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएएस के पेपर में ये भी एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो बेटा इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए बोल रहा हूं। तो दादा भाई नरोजी जी ने फोकस किया था ड्रेन थ्योरी पे, तो डी फॉर दादा भाई, डी फॉर ड्रेन। नाउ द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टन वाज साइंड बिटवीन, श्रीरंगापट्टन का ट्रीटी जो साइन हुआ था टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुआ था, एक ट्रीटी थी, एक संधि की गई थी, ठीक है ना, श्रीरंगापट्टन ये नाम है हिंदी में, ठीक ना, टीपू सुल्तान और किसके बीच में ये ट्रीटी साइन की गई थी, बिल्कुल चंचल सेज ए, जीशान बी, कुछ बच्चे ए, कुछ बच्चे बी,
चलो आओ मैं थोड़ा सा एक फोटो दिखाता हूँ। ये हैं टीपू सुल्तान जी और इनके द्वारा ये ट्रीटी साइन की जाएगी, ठीक ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये हमारे कॉर्नवालिस, ध्यान रखिएगा ये हमारे कॉर्नवालिस है, ठीक ना। क्लाइव नहीं, क्लाइव नहीं, रॉबर्ट क्लाइव नहीं था बेटा, गलत आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल। चलिए, द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विस। लो मैं आईएएस का नाम ले रहा था, यहां आईएएस ही आ गया। कह रहा है कि ये सिस्टम कब से आया, कौन सा सिस्टम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिविल सर्विस में, किस ईयर से, जरा बताना कब ये एक्सेप्ट किया गया था, एक्सेप्टेड पूछा है, ध्यान रखना, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड पूछा है, ध्यान रखना। सिविल सर्विस वाज एक्सेप्टेड, वेरी गुड, 1853 में। और शायद आपको पता हो इंडिया का पहला सिविल सर्विस निकालने वाला, जो सिविल सर्विस टॉप करने वाला फर्स्ट इंडियन, सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई हैं, वो थे, ठीक है ना, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है ना, सत्येंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने सबसे पहले ये पहला एग्जाम क्वालिफाई किया था, बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल उनके भाई हैं ये, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सिविल सर्विस के पेपर के बाद ये अपने ऑफिस चेयर पे आराम से बैठे हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो एकदम कूल माइंड से। चलो, तो जो करता है वही भरता है। चलिए, तो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग द किंग एक्सरसाइज हिज कंट्रोल ओवर विलेज इन द विजयनगर एम्पायर। कह रहा है कि किसकी मदद से विजयनगर के राजा ने, विजयनगर के राजा मतलब आप कह सकते हो किसकी मदद से विजयनगर के जो गांव थे ना, विजयनगर के राजा ने वो गांव को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, किसकी मदद से वो उस पर अपना, कहते हैं ना, अपना आधित्व जमाना हिंदी में, तो कौन था वो, किसकी मदद से, जैसे बाहुबली कटप्पा की मदद से था, तो यहाँ विजयनगर का जो राजा था उनका नाम, नाम तो याद नहीं है विजयनगर के राजा का, लेकिन उनका किसके, वो किसकी मदद से गए, नो महान्यकाचार्य, महान्यकाचार्य आप देख सकते हैं ये हैं, ये हैं वो, इनकी मदद से हुआ था, ठीक है ना। और उसी विलेज में इनकी, विजयनगर के राजा ने उसी विलेज में इनका एक मूर्ति स्थापना भी किया था, ये वही मूर्ति है, ठीक है, महान्यकाचार्य, ठीक है गाइस। नाउ द विजयनगर रूलर्स कृष्णदेव राय, हाँ राजा कृष्णदेव, ठीक है ना, कृष्णदेव राय ऑफ वर्ग, ये अमुक्त मल्यदा, ये जो है आपका मतलब, ये किस में, मतलब आप कह लो कि ये वर्क जो किया गया है वो किस भाषा में किया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो बेटा जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो विजयनगर, आप समझ सकते हो साउथ में, और कौन सा होगा, यस तेलुगु, तेलुगु तेलुगु तेलुगु, बिल्कुल। और इस एक चीज और बता दूं मैं, विजयनगर के जो रूलर थे ना कृष्णदेव, इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, आप देख लेना, सर्च कर लेना यूट्यूब पे। नाउ माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, कितने नंबर आए जल्दी जल्दी बताओ, कितने नंबर आए जल्दी जल्दी बताओ, कितने नंबर आए जल्दी से जल्दी बताओ, 10 में से कितने नंबर आए,
ऐसे जीएस करने में ना बेटा, ऐसे जीएस करने में ना पिक्चर के थ्रू, ये याद रहेगा आपको। इसलिए मैंने आपको ये चीजें दिखाई ताकि आपको याद रहे कि है क्या ये, ठीक है ना, कि है क्या ये खेल क्या है। रट्टा मत मारो, एक एक बार फिगर देख लो, सबका हो जाएगा, ठीक ना। देखो 10 out of 10 बोल रहा है, देवसीज घोष 7, लोकेश 7, बिल्कुल बिल्कुल 8, 6, 7, 7, 7। बच्चा लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। तो ऐसे जीएस करा करो जिसमें आपको एक फिगर दिखाई दे, उसकी कुछ नहीं करना है, आपको इंटरनेट पे डाल देना जो क्वेश्चन का मेन पॉइंट है ना, उसको डाल के चेक करिए क्या दिख रहा है। आप लोग पूरा क्वेश्चन ही डाल दो तो भाई बवाल हो जाएगा। तो मेन पॉइंट डालो कि राजा कृष्ण देव कौन था, अच्छा ये क्या था, क्या लिखा गया था, कैसे था, ये सारी चीज आपको पता चल जाएगी। नाउ माय डियर फ्रेंड, मैकेनिकल टेस्ट सीरीज अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल का। सो गाइस, आर यू रेडी फॉर द मैकेनिकल टेस्ट, एंड टुडे वी विल सी द मशीन डिजाइन टेस्ट। ठीक है ना, मशीन डिजाइन में आपके सामने मैं क्वेश्चन हाजिर करता हूं। In the single V butt weld, the angle between edge is kept about. In the single V butt weld, the angle between edge is kept about. कितना होगा? शायद आप लोग कुछ गलती कर रहे हो। हाँ जी, दिस टेस्ट इज फॉर मैकेनिकल एंड सिविल बोथ, बिकॉज टुडे विल सी द रिविटेड ज्वाइंट टेस्ट। सो मेरे सिविल वाले भाई भी कहीं नहीं जाएंगे, मैकेनिकल वाले भी नहीं जाएंगे, और इलेक्ट्रिकल वाले भी नहीं जाएंगे। रीजन बिहाइंड दिस UEE में ये आएगा, जरा देख के। तो बाबू मोशाय 1 का A तो नहीं होगा, D तो नहीं होगा, आप बताओ। अमितेश से सर 40 से 60, 40 to 60। क्या होगा? सेवी निगम, भी बट वेल्ड 70 to 90 degree, ये होगा 70 to 90 degree, सिंगल भी बट वेल्ड। चलिए अगला, द थिकनेस ऑफ द बॉयलर प्लेट इज 16 mm, the diameter of the rivet used for boiler joint. अगर boiler plate का thickness 16 mm है, तो rivet का dia होता है d बराबर 6√t। लगाइए आंसर बताइए, लगाइए और आंसर बताइए। Come on, yes, कितना आएगा? Very good, 24। क्यों आएगा? अबे 16 का रूट 4, 4 × 6 = 24। ये देखो, द सियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दिस इज सियर, दिस इज टेंसाइल एंड दिस इज कंप्रेसिव। इफ द अनरिविटेड प्लेट स्ट्रेंथ इज 200, एफिशिएंसी मिनिमम ऑफ PSPCPT upon unrivited, क्या होगा? हो गया, मेरा तो सॉल्यूशन हो गया, मेरा सॉल्यूशन हो गया। आपका हुआ सर? मिनिमम कितना है? 100। बेटा अनरिविटेड कितना सर? 200। आंसर आएगा 50।
चलिए कह रहा सियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इज 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर द डायमीटर ऑफ द रिवेट इज डबल। बेटा ये टेस्ट है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं वो अच्छी बात है, लेकिन करना नहीं चाहिए, ध्यान रखना ये टेस्ट है। आप लोगों को हम लोग की रेगुलर क्लास देखनी होगी इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए, अदरवाइज आप तैयारी कर रहे हो आपको आंसर करना होगा। इफ द डायमीटर ऑफ द रिवेट इज डबल देन द सियरिंग स्ट्रेंथ विल बी, डायमीटर दो गुना कर दोगे यस बी होगा, बी 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 डायमीटर दो गुना होगा, डी का स्क्वायर होता है ना, तो दो दुनी चार, चार गुणे पचास 200। आहा द बेस्ट क्वेश्चन, रिवेट आर जनरली स्पेसिफाइड बाय, रिवेट आर जनरली स्पेसिफाइड बाय, कम ऑन यस सर, मैं तो शैंक डाया ढूंढ रहा था। मैंने कहा क्या? कहता है सर मैं तो शैंक डाया ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा बेटा नॉमिनल डाया का ही दूसरा नाम है, नॉमिनल डाया का ही दूसरा नाम है शैंक डाया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ये हेड, ये रिवेट, हाँ स्पेलिंग गलत था, रिवेट हेड कौन सा हेड है, ये कौन सा हेड है जल्दी, काउंटर सैंक, बिल्कुल। चलिए कह रहा है द बैकिंग रिंग इज यूज्ड इनसाइड द पाइप जॉइंट व्हाइल मेकिंग, बैकिंग रिंग पाइप जॉइंट में यूज किया जाता है फॉर मेकिंग, फॉर मेकिंग, कम ऑन बेटा लाइक बटन दबाते रहना, उसको छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है बेटा, लाइक बटन लगातार दबाते रहो, झोंकते रहो। यस 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 क्या होगा सातवें का, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, अरे मैं गायब हो गया क्या, हाँ अब आ गया मैं, ए इज द राइट आंसर यस, बट वेट बट वेट बट वेट, वेरी गुड। नाउ कह रहे टियरिंग एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट इज 60%, द रेशियो ऑफ रिवेट होल डायर टू द पिच डायर। देखो बेटा टियरिंग एफिशिएंसी क्या होते हैं, 1 माइनस पी बाई डी की डी बाई पी, डी बाई पी, कम ऑन, हा 60%, वेरी गुड। ये 60%, ये 0.6 डीवाईपी का रेशियो आएगा 0.4। चलो रिवेट जॉइंट में भी फेल ड्यू टू सियरिंग, क्रशिंग या सियर ऑफ द प्लेट,
बताइए, नोवा, 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 यस, नाइन का डी, कुछ भी हो सकता है बेटा। आप सोच रहे हो यहाँ गलत लिखा है, टीयरिंग ऑफ लिखा है, नहीं नहीं देखो टीयरिंग लिखा है यहाँ, ठीक है टीयरिंग ऑफ द प्लेट होता है, लेकिन प्लेट में ना एज पे शियरिंग होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी फेलियर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, द हॉर्स पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट इज डिपेंड अपॉन, पावर इज टी वन माइनस टी टू इंटू बी, बताइए बताइए बताइए। दसवां दसवां दसवां, कम ऑन गाइस, ज्यादा समय नहीं लूंगा, पांच मिनट और, पांच मिनट और बस, दस का डी। चलो, वेल्डिंग यूनिट ऑपरेट एट वाट पावर फैक्टर, वाट पावर फैक्टर, वेल्डिंग यूनिट ऑपरेट होता है किस पावर फैक्टर पे, ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो वेल्डिंग यू डबल ई में पूछा जाता है। सो अगर कोई भाई लोग हैं यहाँ इलेक्ट्रिकल के तो करेक्ट आंसर देंगे, पावर फैक्टर डिसाइडेड होता है 0.3। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिविट इन एडजेसेंट रो ऑफ द रिविट, तेरे से ये रिविट है, ये एडजेसेंट रो है, इसके इससे, What is this? क्या है? Yes, diagonal. Aircraft body is usually fabricated by. Aircraft body किससे fabricate किया जाता है? 13, एयरक्राफ्ट बॉडी इज यूजुअली फैब्रिकेटेड बाय, यस, रिविटिंग। देखो, जॉगेल्ड वेल्डेड ज्वाइंट आर यूज्ड, जॉगेल्ड वेल्डेड ज्वाइंट आर यूज्ड, बताइए बताइए, जॉगेल्ड वेल्डेड ज्वाइंट आर यूज्ड। देखो, जॉगेल्ड वेल्डेड में ना तो प्लेन होता है वो सेम होता है, ध्यान रखना, वेल्डिंग करते हैं ना तो कुछ ऊपर से उठाकर ऐसे ले जाते हैं। यस, 14 का बी, 15 का बताओ। बहुत सही बरखुरदार, सिर्फ आपके मैं तीन मिनट और खाऊंगा। प्लेन एंड बट वेल्ड मे बी यूज्ड ऑन द मटेरियल अप टू अप्रोक्सीमेटली, प्लेन एंड बट वेल्ड में ना कितना लिया जाता है, आंसर करो, आंसर आंसर आंसर, अरे आंसर करो। यस, 25 mm, बट वेल्ड में 25 mm, ध्यान रखना, प्लेन और बट वेल्ड जो करते हैं ना 25 mm थिकनेस, जो कॉलेज में वेल्डिंग की है वो कौन सी थी, बट वेल्डिंग, और वहां प्लेन की थिकनेस कितनी थी, 25 mm। चलो, बहुत बोल रहे थे बरखुरदार मदन जी, दीजिए आंसर, प्लग वेल्ड क्या है, सोलह का आंसर बताइए।
टू ज्वाइन टू पीस ऑफ मेटल इन सेम मैनर एज अ रिवेटेड जॉइंट, प्लग वेल्ड ऐसे करते ना। बच्चा लोग बताओ ये कौन सा रिवेटेड जॉइंट है, फटाफट। सर ये है तो बट जॉइंट, क्योंकि इसके ऊपर से सिंगल सीट लगा हुआ, दिस इज द वन प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट, दिस इज द कवर प्लेट। कौन सा है? यस, एक ये एक ये, कितना है? एक प्लेट पे दो लाइन, मतलब डबल रिवेटेड, और कैसा है? कवर प्लेट लगा है, मतलब बट जॉइंट। ठीक है, चलो। द टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर द प्लेट पर पिच लेंथ ऑफ द आउटर रो ऑफ रिवेट एज, कम ऑन गाइज, आप सभी लोग लाइक बटन को ठोकते रहो, एकदम लाइक बटन ठोकते रहो रे बाबा। दिस इज द बैटल ऑफ द ब्रेन, यस 18 का सी, वेरी गुड, 19। द टाइप ऑफ फेलियर इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ रिवेटेड जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट का जब एनालिसिस करते हैं तो कितने टाइप के फेलियर होते हैं? अरे बाबा आंसर करो रे, ढोक दिया। अरे गुड 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 गुड, इस लाइक को 50 तक पहुंचाना है चाहे जो भी हो, बहुत अच्छे बरखुरदार, तीनों होता है। टेंसाइल फेलियर मतलब है टीयरिंग, टीयरिंग फेलियर, ठीक है ना। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, गलत हो गया। क्रशिंग फेलियर ऑफ द प्लेट थोड़ी ना होगा, तो 1-2 ही होगा ना, ए होगा। देखा जल्दीबाजी का नतीजा, सीयर फेलियर रिवेट में होता है, टेंसाइल फेलियर प्लेट में होता है, एंड क्रशिंग फेलियर प्लेट में थोड़ी ना होता है। देखा जल्दीबाजी का नजरिया, जल्दीबाजी करते हैं तो ऐसे ही गलती होती है, जल्दीबाजी करते हैं तो ऐसे ही गलती होती है। चलो रे बाबा आंसर करो रे। द स्ट्रेंथ इक्वेशन फॉर द रिवेट इन द सिंगल सीयर इज गिवन बाय, अगर सिंगल सीयर ही हुआ, हाँ गलती हो गई रे, बेटा क्रशिंग तो रिवेट में होता है ना, क्रशिंग प्लेट में नहीं होता, रिवेट में होता है, समझे रखे जी। द स्ट्रेंथ इक्वेशन ऑफ द रिवेट इन द सिंगल सीयर, लाइक सिंगल सीयर, यस ए द राइट आंसर, सिंगल सीयर है, डबल सीयर होता तो। अच्छा एक चीज बताओ, मेरा एक क्वेश्चन का और जवाब, अगर डबल सीयर होता तो K की वैल्यू क्या लेते अकॉर्डिंग टू IBR, अकॉर्डिंग टू IBR K की वैल्यू क्या लेते, अकॉर्डिंग टू IBR K की वैल्यू क्या लेते, जरा मुझे इसका आंसर दे दो। डबल सीयर होता तो अकॉर्डिंग टू IBR K की वैल्यू हम क्या लेते? You have a two option. Option A 2, option B 1.875. Aha, dekha. 1.875 hota hai babu mashai. B is the right answer. B is the right answer. Yes.
अगर डबल सीयर होगा अकॉर्डिंग टू आईबीआर, व्हाट इज आईबीआर, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट, अकॉर्डिंग टू आईबीआर एक्ट। ओके गाइस, तो जल्दी जल्दी अपने अपने नंबर बता दो जल्दी, कितने आए 20 में, जल्दी जल्दी बताओ 20 में कितने आए। इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट IBR है, बॉयलर रेगुलेशन, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 19, 20, 18, अरे गजब, वेरी गुड, सही चल रहे हो तुम लोग। 16, 18, अरे वाह, 18, गजब गजब गजब, लगातार इसी तरह लगे रहो बेटा, बैटल ऑफ ब्रेन में कम से कम लगातार लगे रहो, ये बहुत जरूरी है, बहुत सही है और आपके लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बच्चा लोग, ठीक है। चलिए, तो आज के अगर मैं ऑन एन एवरेज मानू तो टेक्निकल में आज अगर सही होना चाहिए तो अप्रोक्स 18 नंबर आते, जीएस में 7 नंबर और रीजनिंग में मेरे को 20 पूरा देखना था, तो 45 नंबर, 45 मार्क्स हो गया। अगर आप 45 मार्क्स से ऊपर हो तो आप एक्सीलेंट हो, 40 है तो आप सही चल रहे हो, करते रहो, है ना। 45 वाले अच्छा है, लगातार लगे रहो, 40 वाले थोड़ा सा मेहनत और करो। अगर आपका 50 में 40 है, ओके, सो 40 से 45 के बीच में, ओके, चलिए। और 40 से नीचे वाले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारा सेशन सही से लो, हर एक सेशन में आओ, उसको मेहनत करो, मजबूती दो अपने आप को, बिल्कुल ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ लाइव क्लासेस पे, क्रैश कोर्स मिलेगा, रैंक इंप्रूवमेंट, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरिंग एंड इंग्लिश टेस्ट, इंग्लिश हिंदी में सारे बैचेस मिलेंगे। गाइस 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 गाइस, वेट 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 वेट, अभी हम लोग एक क्विज करने वाले हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे क्विज करने वाले हैं बच्चा लोग। मैं आपको कोड दे रहा हूं, कोड दे रहा हूं बच्चा, जस्ट वेट जस्ट वेट। Just wait, just wait. बीस क्वेश्चन का रहेगा टेस्ट, 40 सेकेंड रहेगा एक क्वेश्चन पे, ठीक है ना। और मैंने क्विज क्रिएट किया है और क्विज का कोड है 690-891। ठीक है गाइस, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए क्विज में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्विज है बेटा, 690-891, बिल्कुल जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए गाइस, बवाल मचाएंगे बवाल। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए टेस्ट में। ओके, तो फटाफट 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 सभी लोग जुड़ जाओ। ओके गाइस, तो आप हमारे साथ प्लस पे जुड़ सकते हैं यूजिंग द कोड आलोक लाइव। ओके, अगर आप हमारे साथ प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लेना है, यहाँ गोल पिक करना है SSC एग्जाम, है ना।
और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन बटन दबाना है, जहाँ एक साल के फीस है 5400, दो साल के है 6480, देन प्रोसीड टू पेमेंट करना है। आपको आलोक लाइव कोड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको छूट मिल जाएगा बेटा 10% का। आपके पास फाइनेंशियल इशू होगा इसलिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड से आप ईएमआई कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड और किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड। नो कॉस्ट ईएमआई 1 रुपया नहीं लगेगा, 450 रुपए के आसपास लगेगा पर मंथ। नेट बैंकिंग यूपीआई आप सब कर सकते हैं गाइस, इन आलोक लाइव कोड लगाइए और 5400 रुपए में अपनी जिंदगी बदल लीजिए। यस, तो मेरे प्यारे भाइयों जल्दी से जल्दी कमेंट करें, आप जुड़े जल्दी से जल्दी। बहुत सही, बवाल मचा देंगे, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो बच्चा लोग जल्दी से जल्दी जुड़ना है सभी को। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, अब लॉग इन करो, गेट ईएससी गोल चूज करो, टेस्ट पे जाओ, ज्वाइन क्विज करो, नंबर डालो 600, कितना है 690-891। ठीक है गाइस, अनअकैडमी गेट एम पीआईएक्सी पे मैं मॉर्निंग में 8:45 AM पे मिलता हूँ डेली, तो आप मुझे यहाँ संपर्क कर सकते हैं बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को फोड़ना नहीं भूलना। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्रणाम गाइज। टिल देन एंजॉय एंड बाय बाय। जय हिंद।